आग के लिए, आग के लिए इसके साइड लाइट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो ये बैरिकेड, ये तो। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून भाई, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। टाइम हो चुका है 12:45, ये देखे आप। और अब भाई रोहित ड्राइव कर रहा है, आज कहीं लॉन्ग रूट पे लेके जाएगा हमें। ये बोल रहा था कि भाई बोर होने लग रहा हूँ, कहीं चलते हैं घूमने के लिए। संडे था, संडे एंजॉय करते हैं, संडे एंजॉय करेंगे। और आज साथ साथ एक काम और कर देंगे। और भाई ये देखो, ये यहाँ पे कट है, ये यहाँ पे कट है, ड्राइवर होते हैं, देख लो पछताएगा। अब ये अपनी 10 मिनट बचाने के लिए भाई यहाँ से यू टर्न ले रहा था, अब ये यहीं रहेगा, 1-1.5 घंटे खड़ा रहेगा और पुलिस वाले परेशान करेंगे बोला। तो भाई आपको दिखाते हैं गाड़ी का तेल बिल्कुल ईपीएस हुई और 13,720 किलोमीटर चल चुकी है। अब हम इसका कराएंगे टैंक फुल और फिर आज इसकी माइलेज टेस्ट करते हैं, साथ में टूर भी हो जाएगा एक 200-300 किलोमीटर की ट्रिप करते हैं। आज संडे था, सोचा थोड़ा बहुत राजस्थान की तरफ घूमने चलते हैं। गाड़ी को हाईवे पे भी चलाएंगे और गाँव में भी चलाएंगे, फिर आपको बताएंगे इसकी कितनी माइलेज निकल के आती है सामने, क्योंकि ये माइलेज नहीं दे रही। इसकी बताई थी कंपनी ने 19 देगी, 21 देगी, ये देखो 10.3 दिखा रही है, 13.5 अलग अलग दिखा रही है, मैच नहीं हो रहा कुछ भी। तो आज इसकी माइलेज टेस्ट करेंगे। तो अब लगाते हैं पंप पे, टैंक को करवाते फुल, फिर 200-300 किलोमीटर की ट्रिप करके पूरी आज संडे के लेंगे आज इंजॉय, पूरे दिन घूमेंगे और फिर बाद में फिर दोबारा फुल कराएंगे, देखते हैं कितनी क्या माइलेज देती है गाड़ी। तो लगाते हैं पंप पे, पंप आने वाला है, हम डलवाएंगे बीपी पे, भारत पेट्रोलियम जी। तो चलो फिर भारत पेट्रोलियम पे लगाओ गाड़ी को। वो आ गया पंप सामने, तो वे पंप पे लगा दी गाड़ी, टैंक होने लग रहा फुल। और रोहित कुमार कुछ एक्सपीरियंस करके देखेंगे अब क्या कुछ कर रहे हैं। सब कुछ इसको दोबारा जीरो कर देते हैं, 1 मीटर ना ट्रिप जीरो कर ले, ये एवरेज जो बताता वो भी अब अपनी देखेंगे ना फुल टैंक में किस हिसाब की क्या एवरेज है। भाई रोहित की आवाज थोड़ी स्लो चल रही है और टैंक होने लग रहा है फुल। भाई तबीयत अब ये है ना, तबीयत भाई 13,722 पे हम डलवा रहे हैं तेल, टैंक करवा रहे हैं फुल। और भाई मैं अभी थोड़ा सा परसों बीमार हो गया था, वीडियो थोड़ी डिले चल रही है, कुछ सोच रहे हैं क्या कुछ चैनल पे नया लेके आए। और भाई पंप पे डलने लग रहा है तेल, आपको दिखाते हैं कितने का क्या फुल होगी टैंक अब इसका। 3780 रुपए की होगी टैंक के फुल। है जी उसका प्रिंट भी चाहिए ना? प्रिंट ना चाहिए, वैसे निकाल दो। हाँ भाई रोहित कुमार इसको लगा ले थोड़ा बहुत। भाई टैंक हो चुका है फुल और रेंज आ गई है इसमें, कितनी दिखा रहा है? 934 की रेंज दिखा रहा है फुल टैंक में। तो भाई 3780 का हो चुका है टैंक फुल, 934 की रेंज दिखा रहा है। और अब चल दिए हाईवे पे, फिर चलेंगे गांव में भी, हर जगह घूमेंगे आज 200-300 किलोमीटर। और 200-300 किलोमीटर पे आपके दोबारा फुल करवा के टैंक, रेंज जो भी आपकी जितनी भी माइलेज होगी आपको माइलेज बताएंगे कि गाड़ी कितना लास्ट देगी। माइलेज काफी कम दे रही है लोकल में यहाँ पे। तो चलो अब चलते हैं लॉन्ग ट्रिप पे, आपको रास्ते का भी एंजॉय करवाएंगे, हाईवे भी दिखाएंगे, साथ साथ में गांव के रास्ते भी दिखाएंगे और वह हरियाणा में भी घूमेंगे, राजस्थान में भी ना भी। रोहित बिल्कुल जी, हमने अपनी वेंटिलेटेड सीट भी ऑन कर ली है। बस भाई ये फीचर के बेनिफिट लेने लग रहा है भाई, गर्मी हो चुकी है। अच्छा बहुत ज्यादा गर्मी लगती तेरे को? मौसम खराब है ना, दिन में गर्मी शाम को ठंड होती है। भाई मौसम इतना खराब चल रहा है, सुबह शाम ठंड, रात को ठंड, दिन में गर्मी लगती है। और उस वजह से ना मतलब कोई जो गर्म कपड़े पहनने छोड़ दिए, दिन में एसी चलाते हैं, इसी वजह से ज्यादातर वायरल चल रहा है, सभी बीमार पड़ने लग रहे हैं। और भाई मैं भी हो गया था, तो थोड़ा अपना भी ध्यान रखें और आज की ट्रिप को इंजॉय करें, वीडियो स्किप ना करें। थोड़ा गड़ा हमारा बैठा हुआ है, तबीयत खराब है थोड़ी सी। और वे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और भाई 1K होने वाले हैं,
985 के आसपास हो चुके हैं अपने YouTube फैमिली मेंबर, तो 1K पे फिर करेंगे कुछ स्पेशल। तो जी 34 किलोमीटर चल चुके हैं और 17.3 की माइलेज दिखानी लग गई गाड़ी। अभी 13,722 पे भरवाया था तेल, 35 किलोमीटर के अंदर 17.5 की माइलेज तो दिखाने लग गई है, और अभी और चलाएंगे 100-150 किलोमीटर और फिर देखते हैं। 20-25 किलोमीटर तो सिटी में ही था अभी। हाँ भाई, लगभग 20-25 किलोमीटर रोहित सिटी में घुमा रहा था, पानी भरा हुआ था, नाव लेने गए फिर वापिस आ गए, नाव की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सोचा चलो वापिस चलते हैं, और हम निकल रहे हैं भाई अलवर वाले रूट पे। ये अलवर वाला हाईवे भिवाड़ी से अलवर, भाई काफी अच्छी ग्रीनरी है इस रोड पे, काफी पेड़ पौधे हैं, और आपको दिखाते हैं रास्ते का भी, एंजॉय करें आप। जी सिंगल रोड पे चल रहे हैं अब, और गाड़ी माइलेज दिखा रही है 17.8 की, और 99 किलोमीटर चल चुकी है, तो माइलेज ठीक थी भाई। हाईवे पे चल रहे थे, माइलेज अच्छी मिल रही थी, 18 पॉइंट कुछ आ रही थी तब, अब 18 दिखा रही है, 17.6। और भाई अब सिंगल रोड पे चल रहे हैं, यहाँ भी माइलेज चेक करेंगे कितनी क्या कुछ दिखाती है यहाँ पे, पूरी 100 किलोमीटर चलने वाली है। तो भाई पूरे 100 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी और 17.8 की माइलेज दिखा रही है, जो कि अच्छी है। हाईवे पे चल रही थी, 18 की माइलेज दे रही थी, और भाई अब चलते हैं आगे। तो अब गांव में घूम रहे हैं, आज संडे राइड चल रही है अपनी गाड़ी में, मजे आ रहे गाँव में, जो जाते हैं ना सिंगल रूट पे, तो यहाँ का राजस्थान का जो कल्चर देखने को मिलता है काफी अच्छा लगता है। और अब है सिंगल रोड, अब इस पे माइलेज टेस्ट होगी, 100 किलोमीटर और चलते हैं अब इस पे, देखते हैं कितना कुछ माइलेज देगी, लास्ट में आपको बताएंगे। और वीडियो अच्छी लग रही हो ना आपको तो लाइक जरूर ठोक देना इसी बात पे, लास्ट में कितनी माइलेज निकलेगी जल्दी से कमेंट कर दो आप भी। छेल, ये क्या है? ये छेल बोल पड़ा है भाई, छेल, ये शेर वगैरह टाइगर चीते यहीं आ गए हैं सारे भाई। हमने वन विभाग वालों को संपर्क करना पड़ेगा भाई, इनको पकड़ो। क्या बात है सर, ये बात है। तो भाई रेलवे पटरी के साथ साथ रोड है, फिर क्रॉस करके उस साइड चले जाएंगे हम, और हम खड़े हैं यहाँ पे, ये देखो आप अपना गूगल महाराज यहाँ से ले जा रहा है, और सामने देखो आप इसने गाड़ी को ट्रेन समझ लिया सर। ट्रेन समझ के चला रहा है, हमको रास्ता बंद है भाई बिल्कुल आगे, बड़े परेशान किए गूगल महाराज ने तो भाई, ये तो गड़बड़ है भाई, क्या बताएं अब कैसे जाएं, कहाँ पहुंचेंगे, तो वापिस ही चलते हैं यहाँ से, गूगल के हिसाब से चल रहे हैं, देखते हो रास्ते को राजस्थान में ऐसा कुछ घूमने को देखने को मिल रहा है, तो वह वापिस ले लेते हैं, दूसरा रोड चेक करेंगे कोई। तो भाई ट्रेन भी आ चुकी है, पैसेंजर ट्रेन चल रही है, छोटी थी आग के जा भी चुकी है, अब खुलेगा फाटक, पहले फाटक खोलता हूँ, हार्ड पे नहीं चढ़ेगा, खुल जा सिम सिम, दोबारा खोल। मैं फोन मिलाऊंगा फिर। कैसे खुलेगा बता, हमारे पास रिमोट था, खोलने का है वो। अच्छा, हमको सिखा रहा है वो, येलो कलर का रिमोट था, उससे थोड़ी खुलेगा, खुलेगा उसको दबाओ, उससे नहीं खुलेगा। हाँ भाई ये रिमोट है देख, जो कि इसको खोलेगा फाटक को, तो चलो खोलते हैं। वन ये ए वाला बटन है ना जो, इससे तो परले वाला नहीं, इससे अनलॉक होगा पहले, फिर ये बैरिकेड वाला है बी, इससे बैरिकेड लग जाएगा, और सी से ये कट करके, और ड्रिस से जब दबाएंगे ना डिक को, दोबारा वापिस आएगा, तो सी से खुलेगा ये, लेकिन पहले ट्रेन आ जाती है, ट्रेन आ गई, फोन आ गया था भाई ट्रेन वालों ने, फोन किया भाई साहब अभी हम और निकलेंगे, आप अभी फाटक मत खोलिए। कैसा लगा मेरा मजाक?
ये दबा दिया हमने सी वाला बटन, सेल तो रहनी है, नहीं लाइट भी चल रही, सी वाला दबा दिया, काम नहीं कर रहे। इस कैंटीना को उठाओ आप, इस कैंटीना को उठाओ, हाँ इसको उठाओ, बस बस बस, अभी टावर कैच करवाएगा, सिग्नल पकड़ेगा, सिग्नल अभी आए नहीं इसके, दोबारा दबाता हूँ, नहीं नहीं सिग्नल काम नहीं कर रहे आपके, सी से सिग्नल ही तो कनेक्ट हो गए ना, लेकिन एस वाले सिग्नल नहीं है, सी वाले सिग्नल है, टाइम लगता है एक सेकंड। अच्छा जी, तो डी से दबा दो, दोबारा चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, दोबारा गिर जाएगा। डी से दोबारा चल के और सी चलेगा, दोबारा चल, डी सी दे रखा है बटन, ये नहीं काम नहीं कर रहा हमारा ये वाली स्विच, दोबारा देखते हैं एक बार, बैरिकेड का दबाओ एक बार, ये बैरिकेड का दबा दिया हमने, ये आवाज आने लगी टू टू की, सिग्नल नहीं पकड़ रहा, मैं थोड़ी आगे आगे ले, आगे ले, पहले खोल देते, इतनी पब्लिक है जो ये परेशान नहीं होती, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, हमारे टावर नहीं ले रहा था, रोहित ने पीछे लगा रखी थी गाड़ी, अब आगे लिए ना तब रिमोट एक्सेस हुआ हमारा, ये सेल चेंज करवाएंगे भाई, इसके दूसरे लगवाएंगे, सॉरी इसके लिए, आप जितनी भी जो पब्लिक परेशान हुई यहाँ खड़ी होके, आगे से ऐसा नहीं होगा भाई, हम आपको टाइम से निकालेंगे यहाँ से, सेल चेंज करवाएंगे अगली दफा, और रिमोट को आपको ही दे जाएंगे फिर हम, आप खोलना बंद करना करते रहना। गाड़ी घुमाने में कमी नहीं छोड़ रखी है, देखो अब सारी चीजों में घुमाएंगे, सारी चीजें दिखा रहा है आज, ये हाईवे, फिर वे सिंगल रोड, फिर कच्चा रास्ता, अभी फिर रोड आ गया, गांव में से जा रहे हैं, पूरी एवरेज अच्छी तरह से माइलेज सारी चेक करेंगे आज, बाकी हमने एक जगह खाना भी खा लिया अपना। तो जी आज है डे सेकंड भाई, रात को 11:30 घर पहुंचे थे, तो सोचा सुबह फुल करवा लेंगे टैंक को, फिर देख लेंगे कितना कुछ लीटर तेल आता है, पहुंच चुके हैं पंप पे, अब यहाँ पे डलाएंगे तेल, ये देखो अब 13,938 चल चुकी है, और अब दिखा रही है 10.9 की माइलेज भाई, कल 13,722 थी और अब है 938, 22, 28, 28, 28, 16 भाई 216 किलोमीटर टोटल चल चुकी है, अब इसको दोबारा फुल कराते हैं, फिर देखते हैं 216 किलोमीटर में कितना तेल लिया इसने और कितने की माइलेज हमें देगी। तो ये आ गया है पंप, बीपी पे ही कराएंगे फुल। तो जी टैंक हो चुका है फुल, 1288.99 रुपये का तेल आया है, ऑटो कट पे ही उस दिन बंद किया था, कल भी ऑटो कट पे बंद किया था, आज भी ऑटो कट पे, और इसमें आया 14.5 लीटर तेल आ गया। तो भाई 14.37 लीटर तेल आया है, 14.5 लीटर मान के चलो आप, और उसमें अपनी गाड़ी चली है 216 किलोमीटर, यानी कि हमारी गाड़ी ने दी है 15 की माइलेज, और भाई इस गाड़ी के लिए 1.5 डीजल में 15 की माइलेज भाई कम है, क्योंकि लगभग 17-18-19 तो देनी चाहिए, क्योंकि मीटर में दिखा रहा था 18.5, 18.7, 17.9, तो जो मीटर दिखाता है वो भी रियल नहीं है, और भाई रियल में आपको 15 की माइलेज मिलेगी, चाहे आप शहर वाले रोड पे चलो, चाहे हाईवे पे चलो, और 15 से ज्यादा तो नहीं देगी, अगर ये देगी माइलेज तो आपको मिलेगी इसकी भाई इको मोड पे, इसमें मोड दे रखे हैं इको, नॉर्मल स्पोर्ट्स, और भाई हमने कल नॉर्मल मोड पे ही 216 किलोमीटर चलाई है, तो अब आप देख सकते हो कि 15 से ज्यादा आपको माइलेज इसकी नहीं मिलेगी, तो आप खरीदने से पहले एक बार हमारी वीडियो जरूर देख लेना भाई, आपको कौन सी गाड़ी बाय करनी है कौन सी नहीं करनी है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं किसी ऐसी एक और अच्छी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा बाय बाय।